दिल वालों की दिल्ली के दिल्ली हट के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं फिर से दिल्ली हट, और यहाँ पे हम मेट्रो के गेट नंबर 5 से निकले हैं और ये एपिसोड 5 है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे ना अंदर पहुँच के ना मुझे एक शॉप दिखी जिसके अंदर में मुझे ना बहुत सारी सुंदर सुंदर नोज पिन्स मिली, तो हमने फिर ख़रीद लिया। ये ना एक अलग ही चस्का चढ़ चुका है और बहुत ही सही किफ़ायती रेट पर मिल रही हैं। एंड इससे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो यहाँ के थोड़े से एरिया को ऐसे छानबीन करते टाइप की हो, तो मुझे ज़रूर बताना। और अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार का खाना जो कि हम ट्राई करने जा रहे हैं बिहार की रसोई से। लेट्स गो। और अब हम पहुंच गए हैं बिहार की रसोई, और यहाँ पे ना आप देख रहे हो जैसे स्टार्टिंग मैंने बड़ा सा बैनर लग रखा था जिसमें कुछ कुछ स्पेशल डिशेस थी जिनकी फ़ोटो लगा रखी थी, और यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड था जिसमें पर डे का जो स्पेशल होता है उन्होंने वो लिखा हुआ था, जिसमें से हमने एक चीज़ ट्राई करी है। और कुछ चीज़ें माइंड में थी कि जो मुझे ट्राई करनी ही है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू यहाँ पे हम आए हैं। और अभी चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, एंड बहुत ही ना सही जगह है। मुझे दिल्ली हटना बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ का जो मेन्यू था, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ हैं, प्राइजेस भी ओके ही है। बट अभी चलते हैं और ट्राई करते हैं का खाना कैसा है, लेट्स गो। तो ये रहा हमारा सारा का सारा लंच, जिसमें है नॉन वेज थाली, लिट्टी चोखा, गुपचुप और धुसका विद घुंघनी। तो चलिए चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि सारा खाना कैसा था। सो लेट्स गो। और उसके साथ में आम पन्ना भी है जैसे आप कॉर्नर में देख रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसा रहा। एंड अभी हम सबसे पहले ट्राई करने जा रहे हैं लिट्टी चोखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इससे, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि यहाँ का बहुत अच्छा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक यार ट्राई करते हैं। एंड ये बहुत ईजिली खुल गया एंड मस्त ब्रेक हो गया। एंड लिट्टी चोखा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, जो कि एक्चुअली था एकदम मेल्टिंग इन माउथ। इसका फ्लेवर आ रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कि ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हेवनली चीज़ मैं कुछ खा रही हूँ। अंदर से ड्राई बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने ये आलू की सब्ज़ी है इसके साथ में ट्राई करा, जो बेसिकली आलू का चोखा था, आलू टमाटर का, एंड फुल मस्टर्ड का टेस्ट आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आई एम लविंग दिस ऑल। और ये इमली की चटनी है जो कि इतनी सही चटपटी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ऐप्ट खट्टापन, ऐप्ट मीठापन। उसके बाद ये लहसुन की चटनी है जो हमने ट्राई करी, एंड भाई साहब क्या तो स्ट्रॉन्ग थी, इट वॉज सो गुड। फिर ये एकदम गाजर मूली वाला अचार, एंड आई टेल यू मेल्टिंग इन माउथ वाला ये लिट्टी चोखा है, बेस्ट है। मैंने अब तक जितने भी ट्राई करे उसमें सबसे बेस्ट है ये। आपको आके यहाँ पे ट्राई करना बनता ही बनता है, आई हाईली रिकमेंड दिस थिंग। एंड वो जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट और ड्राई बिल्कुल नहीं, दिस इज़ परफेक्ट मील, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका ये जो आलू का चोखा है, क्या तो स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड का टेस्ट, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। अब हम नेक्स्ट डिश पे चलते हैं, लेट्स गो। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं एक पीस धुसके का, और उसके साथ है घुघनी, और यहाँ पे उसके साथ में चटनी और चटनी और उसके साथ में चटनी। तो ये हम ट्राई करने जा रहे हैं धुसका, जो कि बेसिकली राइस फ्लावर का बनता है, एंड इसमें दाल और चावल दोनों का कॉम्बो बेसिक होता है। तो ये हम ट्राई करेंगे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर था। मतलब इतना राइस का जो प्रॉपर जो फ्लावर होता है ना, उसका फ्लेवर आ रहा था, एक अलग ही एकदम सॉफ्टनेस थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर जो घुघनी थी, ये बेसिकली ना जैसे वो जो काले चने होते हैं ना कंजक वाले, उसका प्रॉपर सब्ज़ी बना रखी है, ये पूरा उसका ही टेस्ट दे रहा था, एंड बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस था। मुझे ये धुसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार ट्राई कर रखा था, एंड आई वॉज़ लाइक ये चीज़ तो अच्छी है। मतलब वो सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है, वो एकदम सटल सा फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसमें राइस और दाल का जो कॉम्बो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस वॉज़ क्वाइट अ नाइस ट्रीट। एंड इसकी चटनी भी बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने बताया एकदम मस्त चटपट चटनी, एकदम इमली का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। एंड इसके बाद हम सारी चटनियों के साथ इसको मिक्स करके ट्राई कर रहे हैं। फ्लेवर इज़ वेरी गुड, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट लिट्टी चोखा ने तो अब तक मेरा दिल जीता है, अब आगे देखते हैं और क्या दिल मेरा जीतता है, लेट्स गो।
अब हम ट्राई करने जा रहे हैं नॉन वेज थाली, जो कि चिकन बेस में हमने मंगवा रखी है। एंड इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, प्राइस बेस में इन्होंने क्वालिटी भी अच्छी दे रखी है, क्योंकि देखने में पता चल रहा है मैंने ट्राई तो करी रखी है, एंड क्वांटिटी बेस भी अच्छा है। तो ये हम सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं दाल का पराठा, जो कि हम ये जो चिकन की सब्ज़ी है इसके साथ में ट्राई करेंगे, जो प्रॉपर भुना हुआ है। मसाला बहुत अच्छा है इसका, जैसे बेसिकली होममेड वाला ना चिकन होता है एकदम सेम वैसा था। एंड इसका ग्रेवी बहुत अच्छी थी, मतलब प्रॉपर चावल वावल के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है, जो कि हमने ट्राई कर रखा है। एंड इसका चिकन के भी अच्छे दो पीस दे रखे थे इन्होंने, एंड सॉफ्ट चिकन था। मैं ये नहीं बोलूँगी ऐसे मेल्टिंग इन माउथ चिकन था, बट एप्ट सॉफ्ट चिकन था। एंड इसके बाद में हम ट्राई करेंगे इसको फिर से दाल के साथ, जो कि चने की दाल है। तो फ्लेवर वाइज सिंपल सी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ अलग सा इसका फ्लेवर आ रहा था, एकदम सिंपल जैसे घर पे बनती है होम मेड प्रॉपर फूड, एकदम वैसा फ्लेवर आ रहा था। एंड इसके बाद में हम ट्राई करेंगे इसको, हम थोड़ा खा के भी देख लिया, मतलब हाँ ठीक है। फिर ये गोभी आलू, अब ये जो गोभी आलू था ना, ये मसालेदार था, सूखा गोभी आलू बट बहुत मसालेदार था। इट वॉज लाइक ये चीज़ बहुत एकदम किक करने वाली है। एंड फिर ये बूंदी का रायता, जो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। आई थिंक रायता ना, मुझे ऐसा लगता है हर एक खाने के अंदर में एक एडिशनल सप्लीमेंट होता है, जो आपके पूरे खाने का ना फ्लेवर एकदम से शिफ्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि ओह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इसके बाद ये मीठी टमाटर की चटनी, जो कि प्रॉपर ना, अगर आपने किसी ने आम का मुरब्बा खा रखा होगा, वो जो घर में बनती है सब्ज़ी आम की मीठी मीठी वाली, एकदम सेम वैसा फ्लेवर आ रहा था, जबकि ये टमाटर की चटनी थी। एंड ये था प्याज का पकौड़ा, जो इन्होंने तो आई थिंक स्नैक्स बेस में इसमें दे रखा था, दो तीन टुकड़े थे। एंड अच्छा क्रिस्पी था, ऑयली बिल्कुल भी नहीं था। एंड थोड़े से और मस्त छोटे छोटे चिप्स दे रखे थे, जो मज़ा आ रहा था खाने में। एंड इसके बाद में हमने सोचा कि थोड़ा चावल के साथ भी ट्राई करके देखते हैं, तो हमने इसकी ग्रेवी को मिक्स करा, जो कि बहुत ही सही क्वांटिटी में इन्होंने ग्रेवी दे रखी थी इस चावल के साथ खाने के लिए। एंड ऑब्वियसली बाकी सब्जियां भी हम चावल के साथ खा सकते हैं, बट हमने ग्रेवी ट्राई करी एंड बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसका। जो मुझे ना थिकनेस है ग्रेवी की, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड बाकी दाल वगैरह हमने ट्राई करी, खाना वॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे लगता है कि ना ये बहुत ही अच्छा एक होम कुक्ड प्रॉपर फूड है, जो अच्छी क्वालिटी में है, क्वांटिटी अच्छी है, एंड दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। लेट्स गो। इस थाली में थी एक और डिश, जो कि थी डेजर्ट, और वो थी मखाने की खीर। एंड मखाने की खीर ना स्टार्टिंग मुझे लगा था कि मैंने कभी ट्राई करनी रखी है, तो कैसी होगी, क्या फ्लेवर होगा, बट ये थी मखाने और चावल की खीर, जो कि ना फ्लेवर बहुत अच्छा था, इसमें इलायची का फ्लेवर आ रहा था। एंड बेस्ट पार्ट था कि ये ज़्यादा मीठी नहीं थी, एकदम नॉर्मल बेस का जो मीठा होता है ना वो था, तो इसको खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इट्स लाइक टोटली डिलिशियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम सॉफ्टनेस थी, एंड वो इलायची का जो फ्लेवर था ना, ओए होए मज़ा आ गया, ये तो आई लाइक इट अलॉट। अब हम आखिरी डिश ट्राई करने जा रहे हैं, जो कि है गुपचुप। इसको आप गोलगप्पे भी बुलाते हो, पानी पूरी भी बुलाते हो, पानी बताशे भी बुलाते हो, और ये हम सबसे आखिरी में क्यों खा रहे हैं, जो आप सोच रहे होगे कि इतना सारा खाना खा लिया उसके बाद हम एंड में गोलगप्पे खा रहे हैं। तो बेसिकली यार, जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग में आई थी वो सब गर्म थी, एंड गर्म चीज़ को पहले खाना ज़्यादा बेटर होता है, गोलगप्पे तो ठंडे ही होते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले सारी चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो एकदम मस्त गर्म गर्म में ही प्रॉपर अच्छा फ्लेवर आता है। एंड उसके बाद हम अपने प्यारे प्यारे लवली लवली गोलगप्पे ट्राई करेंगे। एंड ये गुपचुप, ओह माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी कि मैंने ये ट्राई करे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मैं डेली हटाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे आके लिट्टी चोखा और गोलगप्पे तो पक्का ही ट्राई करने हैं, ये तो मेरे फेवरेट हो गया। एंड अगर लिट्टी चोखा नहीं तो ये गोलगप्पे, इसके साथ में जो शिलोंग मेघालय मोमो है वो वाले, क्योंकि इसका फ्लेवर ओए होए क्या चटपटा था, प्रॉपर कोलकाता के जो पुचके होते हैं ना सेम वैसा फ्लेवर आ रहा था। एंड इससे मेरे दिमाग में आया कि नेक्स्ट मैं वीडियो बनाती हूँ कहीं ना कहीं कोलकाता की, तो मैं बनाने ही वाली हूँ, तो हम हो सकता है जल्दी बना दें उसको, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। बट आप देख रहे हो, अगर आपने कोलकाता वाले पुचके ट्राई कर रखे हैं, जो कि अगर आपने ट्राई नहीं कर रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको चितरंजन पार्क में राजू चाट कॉर्नर है, वहाँ पे भी मिल जाता है। वहाँ पे आई थिंक बहुत सारे ऐसे पुचकेज हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑथेंटिक वाला तो कोलकाता जाके ही हम ट्राई करने वाले हैं जल्दी ही, बट ये जो है दिस वॉज सो डैम डिलिशियस। मतलब कि इसके सामने आम पन्ना तो ऐसा लग रहा था कि आप फीका मैंने फालतू का ऑर्डर कर दिया, अगर मैं पहले ही ट्राई कर लेती आम पन्ना तो बहुत अच्छा लगता, बट अभी तो इस पुचके के सामने कुछ अच्छा नहीं था, तो दिस वॉज एन अल्टीमेट थिंग। एंड यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आई लव्ड माय लंच, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक अब तक मैंने जितना भी दिल्ली हट में ट्राई करा है, ये मेरा फिफ्थ वीडियो, बट ये आई थिंक नंबर वन पे आता है प्रॉपर खाने के बेस में। मुझे मोमो भी बहुत अच्छे लगे थे यहाँ पे, जो मैंने मेघालय वाला ट्राई कर रहा था। आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, बट आई थिंक बिहार का फूड वॉज सो फ्रिकिंग डैम डिलिशियस, यू हैव टू ट्राई इट आउट। एंड मैं फिर से आऊँगी एंड यहाँ पे प्रॉपर वेज वाले भी हम वेज थाली ट्राई करेंगे, एंड एक दो चीज़ें और ट्राई करेंगे। अभी तो हम लोगों ने एक नॉन वेज थाली और कुछ स्नैक्स ट्राई करे थे,
बट आई थिंक पुचका मैं फिर से ट्राई करूँगी, दैट वॉज सो डिलिशियस। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी ऐसी आपको बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।